इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को करके भागेंगे आप 9 मिनट से लेके 8 मिनट 45 सेकंड तक। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे 3000 मीटर का ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपके कमेंट्स थे कि 3000 मीटर का ट्रेनिंग प्रोग्राम आप दें, तो हम बिल्कुल देंगे। लेकिन प्रोग्राम बनाने से पहले हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि जब आप हमारी वीडियो देखते हैं, आप उसको पूरी देखें और गौर से देखें, क्योंकि आपके कमेंट्स आते हैं सर हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे करना है। जबकि सबसे बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम हम आपको देते हैं जो आपकी समझ में आता है, सेशन वाइज सेशन। जब सेशन में क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो भी हम आपको देते हैं। उसके बावजूद भी जब आप पूरी नहीं देखते हैं, फिर कमेंट्स करते हैं सर इसको कैसे करें, तो माय डियर फ्रेंड्स आप सीरीज पहले देखिए और इसका लुफ्त उठाइए और परफॉर्मेंस दीजिए, तो मजा आएगा। इसी के जुड़ाव में अगर आप देखना चाहते हैं तो कैप्टन डॉट अमरीश कुमार हमारी आईडी इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, और उस पर आपके सवाल जवाब होते हैं, उनका जवाब भी हम लाइव में देते हैं, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। चलते हैं अभी हम उस ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरफ जो आपने मांगा था, तो लेट्स गो। तो आइए आज से शुरू करते हैं आपका 3000 मीटर का ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो पहले दिन हमें क्या करना है, तो दोस्तों जैसे मैंने कहा है, सबसे पहले आपको नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है। जब नॉर्मल स्ट्रेचिंग हो जाती है, बॉडी आपके वर्कआउट के लिए तैयार हो जाती है, उसके बाद आप वार्म अप शुरू करें। और जब आपका वार्म अप हो जाता है, फिर 4 से 5 स्ट्रेट लगाएंगे। जब इसकी स्ट्रेट लग जाती हैं, अब आप समझिए कि आप अपने वर्कआउट के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हम मेन वर्कआउट की तरफ चलते हैं। जब आपकी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, स्ट्रेचिंग, नॉर्मल, वार्म अप और स्ट्रेट, ये पार्ट आपका ख़त्म हुआ। अब मेन वर्कआउट आपका क्या है, चले चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो 8 किलोमीटर हम पेस रनिंग करेंगे, जिसका पेस होगा 3:20 से 3:18 पर किलोमीटर। ये कंटिन्यू है और इससे आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी और आपका परफॉर्मेंस बेस्ट होगा। ये सुबह का सेशन फिनिश हो चुका है, अब हम चलते हैं शाम के सेशन में। तो शाम को 40 मिनट ABC एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज करने के बाद 20 मिनट्स कूलिंग डाउन करेंगे और छोड़ देंगे। ये आपका पहले दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे दिन। दूसरे दिन आप 30 मिनट जिम एक्सरसाइज करेंगे, ऑल बॉडी एक्सरसाइज। जब आपकी एक्सरसाइज हो जाती हैं, उसके बाद 60 मीटर लगाएंगे आप 90% पेस पर लगाएंगे, यानी कि आपकी स्पीड 90% होनी चाहिए, ऑल आउट नहीं। तो ये आपका जिम का सेशन फिनिश हो चुका है। इसके बाद 20 मिनट कूलिंग डाउन एंड एक्सरसाइज आप छोड़ सकते हैं। शाम को 30 मिनट नॉर्मल रनिंग करेंगे, कंटिन्यू, बिल्कुल इजी। अगर पेस की बात करते हैं तो 5 से 5.5 मिनट पर किलोमीटर के पेस से आप भागेंगे। इसी प्रकार जब आपका ये फिनिश हो जाता है, तो 10:70 स्टड लगाएंगे, यानी कि 10 लगाएंगे और 70 मीटर के लगाएंगे, 90 से 95% स्पीड पर लगाएंगे। तो 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम का फिनिश हो चुका है। अब हम चलते हैं तीसरे दिन। जैसे मैंने आपसे पहले कहा है, आपके वर्कआउट से पहले नॉर्मल स्ट्रेचिंग, उसके बाद वार्म अप, फिर आपकी 4-5 स्ट्राइड 80 मीटर, उसके बाद आता है आपका मेन वर्कआउट। तो अब मेन वर्कआउट आपका क्या है, 12 किलोमीटर है, 5 मिनट से 4:50 पर किलोमीटर है, क्योंकि हम इंडोरेंस कवर कर रहे हैं। इसके बाद जब आपका यह वर्कआउट हो जाता है, तो 20 मिनट कूलिंग डाउन और एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ी नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका 3 दिन का प्रोग्राम ये सुबह तक का फिनिश हो जाता है। अब शाम का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगर आप देखेंगे तो शाम को बिल्कुल रेस्ट है, आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने सुबह अच्छा वर्कआउट किया है। तो दोस्तों इससे पहले हम 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको बता चुके हैं, अब हम चलते हैं आपका 4th डेज। अब 4th डे में आपका क्या आता है, इसको भी आप गौर से देखेंगे। तो दोस्तों 6:400 लगाएंगे, जिसका पेस होगा 66 सेकेंड से 65 सेकेंड, या 64 सेकेंड से 63 सेकेंड। ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर, आप लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जब आपकी रेपिटेशंस लग जाती हैं, तो फिर आप 400 मीटर के बीच में 60 सेकेंड से लेकर 70 सेकेंड तक का रेस्ट ले सकते हैं। बिटवीन 400 मीटर, एग्जाम्पल आप 6:400 हैं, तो 400 मीटर जो लगाएंगे उसका टाइम होगा 66 सेकेंड से 65 सेकेंड, या
63 से 64 सेकेंड्स। अब आपके समझ में आ चुका होगा, जब ये आपका वर्कआउट फिनिश हो जाता है तो आप 20 मिनट कूलिंग डाउन करेंगे और नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे और ये सुबह का सेशन फिनिश हो चुका है। अब शाम का सेशन है जैसे नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, उसके बाद वार्म अप के बाद में 5 से 6 स्ट्राइड्स, अब आपका मेन वर्कआउट के लिए बॉडी तैयार हो जाता है। फिर हम करेंगे कोर एक्सरसाइज, और कोर एक्सरसाइज करने के बाद आपका 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा फिनिश हो जाता है। अब चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम 5वें दिन, जैसे मैंने पहले कहा है 5वें दिन सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, उसके बाद आपका वार्म अप 20 से 30 मिनट, वार्म अप के बाद में आपके 6 to 8 स्ट्राइड्स 80 मीटर से लेके 110 मीटर तक। अब आप मेन वर्कआउट की तरफ जा रहे हैं, तो मेन वर्कआउट क्या है आपका दोस्तों, हम 6 किलोमीटर लगाएंगे कंटिन्यू, जिसका पेस होगा 3 मिनट 15 सेकंड से 3 मिनट 12 सेकंड पर किलोमीटर। इसके बाद आप 20 मिनट कूलिंग डाउन करेंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे और छोड़ देंगे। ये 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम फिनिश हो चुका है सुबह तक का। अब शाम का सेशन में आप क्या करेंगे, शाम का सेशन एबीसी एक्सरसाइज करेंगे। एबीसी एक्सरसाइज आप करते हैं तो आपकी बॉडी स्पीड, स्ट्रेंथ और एजिलिटी, मोबिलिटी सारी इसमें आ जाती हैं, जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ती है और आपकी रनिंग स्पीड भी बढ़ती है। तो ये आपका 5 दिन का प्रोग्राम शाम तक का फिनिश हो चुका है माई डियर फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको दे चुके हैं, जो बड़ा ही शानदार और जानदार तरीके से हमने बनाया है, अगर आप इसको करते हैं तो मज़ा आएगा। अब चलते हैं 6th डे समाप्ति की तरफ हैं। 6th डे में जैसे मैंने पहले कहा, ये बार बार बताऊंगा, सबसे पहले हम नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि आपकी बॉडी वर्कआउट के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद हम करेंगे वार्म अप, और वार्म अप के बाद हम 6 से 7 स्टार्ट लगाएंगे 80 मीटर से लेके 100 मीटर तक। अब स्टार्ट जब आपके लग जाती है तो आपकी बॉडी मेन वर्कआउट की तरफ तैयार हो जाती है, और जब अच्छा वार्म अप होता है स्टार्ट के साथ में तो आपको इंजरी के चांसेस कम होते हैं। अगर वार्म अप कम होता है और आप वर्कआउट करते हैं तो कभी कभी इंजरी के चांसेस हो जाते हैं। तो चलते हैं अभी हम 12 किलोमीटर पर, तो किलोमीटर आपके 12 होंगे, लेकिन पेस 4 मिनट से 3 मिनट 40 सेकंड पर किलोमीटर होगा। फिर सुने, पेस होगा 4 मिनट से 3 मिनट 40 सेकंड्स पर किलोमीटर। तो इस तरह से जब आप कर लेते हैं तो 20 मिनट नॉर्मल कूलिंग डाउन और एक्सरसाइज करेंगे, सुबह तक का सेशन फिनिश हो चुका है। अब शाम का जो सेशन आपका आएगा, एक्टिव रेस्ट रखेंगे। आप चाहते हैं फुल रेस्ट करना तो आप फुल कर सकते हैं, एक्टिव रेस्ट करेंगे तो और अच्छी बात है। शाम को नॉर्मल वार्म अप, और आप अपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी आपकी नेक्स्ट वर्कआउट के लिए तैयार होगी और इंजरी भी नहीं होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने आज आपको बताया 3 किलोमीटर का ट्रेनिंग प्रोग्राम। आशा करता हूँ कि जो आपके कमेंट्स हैं हमने अच्छी तरह से पूरे किए हैं और शानदार तरीके से आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बताया है। जब आप इसको तरीके से करेंगे जैसे हमने बताया, तो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस ही आएगा। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान तक पहुँचाएँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब पक्का करें, क्योंकि यह उन नौजवानों के लिए है जो गांव में रहते हैं, जिनके पास कोच नहीं है। आपको बेस्ट कोच आपका कैप्टन अमरीश कुमार ये देता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसलिए सभी नौजवानों को जल्दी से जल्दी पहुंचाइए और अपना परफॉर्मेंस दीजिए, क्योंकि ओलंपिक जल्दी आ रहा है, आप तैयारी कर सकते हैं। और जिसको एकेडमी में आना है डायरेक्ट आ सकते हैं, आपकी अपनी एकेडमी में एडमिशन ओपन है। इसी के साथ मैं आपका कैप्टन अमरीश कुमार आधाना ओलंपियन अब आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।